और सुनाओ, सब ठीक है कि नहीं? खाना वाना खा लिए कि नहीं? अरे जाए सभी लोग। आ जाओ सभी लोग, है ना? शांति से आने में ही मजा है, क्या शोर मचाओगे? जब हमारे साथ में आओगे साथ ही लोग आए हैं, चलो साथ का ही स्वागत है। हम तो उनमें से हैं, कोई अकेला है तब भी पढ़ा है। आप तो सात लोग हो गए, इतने में तो अपन दुनिया को धर के ले जाए, समझ रहे हो? चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जाओ ये सब लोग, आप लोगों को पहले ही एक छोटी सूचना दे दूं, तबीयत बढ़िया तरीके से खराब है, तो कोई ज्यादा शोर नहीं मचाना, ठीक है? और हाँ, कहीं मालूम हुआ कि तुम लोग शोर मचा रहे हो, कसम से दिक्कत खड़ी कर दूंगा तुम लोगों के लिए, कुटाई गलेगी सो अलग, है ना? तो ऐसा कुछ करना नहीं जिससे तुम लोगों को दिक्कत हो, सही बोल रहा हूँ? गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। पहले तो मैं इस बात से परेशान हूँ कि CHSL का पेपर क्यों नहीं हो रहा पोस्टपोन। क्लास लेने से कुछ नहीं होगा, मैं तो दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ हो जाए भैया। अभी कोरोना वायरस हवा से फैलने लगा तब से ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। पटेल, शिवांशु, शिवानी और ये आप लोगों के घनश्याम नाम से विद्यार्थी हैं, मनीषा, अक्षय, शिवानी, शिवानी, शिवानी और प्रयाग भाई, शिवानी, गुरुजी आप अपना ध्यान रखो। अरे अपन तो एकदम मुअज्जम, कोई परेशानी च नहीं है ना? बोले तो एकदम सॉलिड सब कुछ, हारा वही जो लड़ा नहीं। अब क्या बताएं, जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो लोग दो कारण से जा रहे हैं, पहला तो वो हार गए, क्या कहते हो? और आज मैं ये जो बूढ़े लोगों की तरह जो डकार ली जाती है वो मैं लेता रहूंगा, क्योंकि मेरा पता नहीं घर में पड़े पड़े या बुखार के कारण बिस्तर पर पड़े पड़े सिस्टम खराब हो गया अपना। बचाने वाला एक लाइट जला देना सर, ये वाली, नहीं तो बच्चे कह रहे हैं माफ्टर गोरा नहीं दिख रहा आज, समझ रहे हो बात को? अब ठीक दिखूंगा मैं तो। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, तुम लोग रिक्वायरमेंट खुलेआम रख देते हो तो मजा आता है। कर लिया करो इससे कफ, ये होता है डाउनलोड MCG Academy एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर्ड डिटेल्स ऑफ PDF।
बात तो सही है भैया प्रयाग जी, तुम ऐसी बातें करते रहा करो तो मजा आता है क्लास में। चलो 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 35 क्वेश्चन का मतलब होता है 35 नंबर। भगवान कसम 35 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि टाइम से रेगुलर आओगे तो। 35 क्वेश्चन साइंस के किसी में पूछ नहीं जाते, लेकिन जहाँ पूछे वहाँ अपने पूरे नंबर आएंगे। वेरी गुड इवनिंग मधु जी, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है, वेरी गुड इवनिंग विवेक भाई, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैडमियम नाइट्रेट? कैडमियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों का क्या है देख लीजिए, कैडमियम नाइट्रेट का केमिकली फॉर्मूला आप लोगों का क्या है देख लीजिए। तो स्पेशली देख लें भैया क्या होने वाला है, क्या बात है, सब लोग राइट राइट आंसर दे रहे हैं। आज तो मैंने नया भी नहीं है तो इट्स में भी ज़्यादा अच्छी फीलिंग ना आए तुम लोगों को पढ़ने की, क्योंकि तो मास्टर ने नहीं नहाया तो तुम लोगों का ऐसा मानना है कि बिना पढ़े बिना नहाए कोई पढ़ा नहीं सकता, इस तरीके की रहती ना अपनी अपनी धारणाएं। तो ऐसी विचारधारा का कोई है तो पहले सुन लो, नहाया नहीं है मैंने। चलो यहाँ जो आप लोग का राइट आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है, आप लोग का ए राइट आंसर आएगा, CDNO3 ए इज योर राइट आंसर। वेरी गुड इवनिंग। यदि मैं हैंग हो जाऊं, रुक जाइए मैं दिख नहीं रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं मुझे बताओ, मैं दिख नहीं रहा हूं ना, प्लीज टेल मी मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, मैं नहीं दिख रहा हूं ना, रुक जाओ थोड़ा सा परेशान ना हो। इसको रिमूव करना पड़ेगा पहले तो, रिमूव करना पड़ेगा फिर ऐड भी करना पड़ेगा, रुक जाइए ऐड करना पड़ेगा। ये ले भैया पूरा ले ले मुझे, है ना, कंडीशन अभी बहुत ही बुरी चल रही है कसम से, फिर पता नहीं क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं फिर क्रोमा की अप्लाई करते हैं, कर दिया क्रोमा की अप्लाई, फिर ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा भी कुछ करते हैं, मुझे जानकारी नहीं है अभी इसकी ज्यादा। हो गया अपना काम, आज तुमको मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, ये तुम्हारे जीवन भर काम में आएगा। आज टी शर्ट अंकल टाइप लग रही है प्रयाग, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, तुम लोग सब चीजों को नोटिस करते हो यार, तुम पढ़ाई को नोटिस नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, एनर्जी के साथ लौट के आओ, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को प्रत्यक्ष देखने से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति होती है, रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्नलिखित घटकों में से किसके कारण आप लोगों का होता है? बताओ भाई कौन सा इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। तो यहां पर आप लोगों का यूवी रेस रहेगा, यानी कि सी इज योर राइट आंसर, सी आप लोग का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के अंतिम स्थिति तक नापी गई दूरी को किसके रूप में जाना जाता है? कोई वस्तु है यहां से चलना शुरुआत करती है, चलती चलती यहां तक आ जाती है, बताओ वो क्या बात कर रहा है? न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इतना फालतू में चली, न्यूनतम दूरी तो इतनी है, बताओ उसकी न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कहलाएगी।
यही तो विशेषता होती है डिस्प्लेसमेंट की, न्यूनतम दूरी होती है भैया। दूरी तो दूरी होती है, ये तो न्यूनतम दूरी होती है, इसका अपना अलग ही जलवा है प्रयाग। क्या बोल रहे हो गाइस, डू लाइक शेयर, नहीं तो मैं कूट दूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो प्रयाग, जो भी लाइक और शेयर नहीं करे उसको जहीं पकड़ के कूट देना, ठीक है। आज मेरा फुल पावर है तुम्हारे साथ, साक्षी नागोरिया को मैंने वो दे दिया है पावर। सॉरी, आज मैं अजीब अजीब हरकतें करूंगा क्योंकि मैं क्या करूं, तबीयत से थोड़ा सा परेशान हूं, जैसे कि होलिया लग रहा होगा, अस्पताल से मरीज एकदम कोविड-19 पेशेंट तुम्हारे सामने, समझ रहे हो बात को। तुमको सारी फीलिंग दिलाता हूँ आज हॉस्पिटल की। वेरी गुड शिवानी सिंह, ये बताओ सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ किसके द्वारा की जाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस की जो प्रक्रिया रहती है किसके द्वारा की जाती है अदृश्य भाग का उपयोग करते हुए? तो जीवाणु का प्रयोग करते हुए आप लोग का ये प्रोसेस की जाती है। सी इज योर राइट आंसर। तो प्रयाग बेइज्जती नहीं करते, उसकी 82% बनी है, इसका मतलब बनी है। अब यदि ज्यादा कुछ बोला तो वो तुमको कूट सकती है। एक कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कार की बैटरी की बात की गई है, अपने पास तो गाड़ी है नहीं, अपन को तो पता नहीं है इसके बारे में। पैसे वाले लोग आंसर दो भैया, इसका आंसर क्या होगा? पैसे वाले आदमी इसका आंसर दो, कार की बैटरी में किसका यूज करते हो तुम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या अशुद्ध जल? ऑनलाइन कोटाई हाओ। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, बोले तो बी का यूज करते हैं। दूध को कुछ समय के लिए खुले में रखने से किसके कारण खट्टा हो जाता है? दूध में मट्ठा डाल दो तो खट्टा हो जाएगा, क्या बोलते हो? लेकिन ऐसा नहीं है भैया, जहां तो बात ही कुछ और है। कौन अम्ल की बात की जा रही है ना, कौन सा अम्ल आप लोगों का है वो मुझे बताओ। कार्बनिक, लैक्टिक, साइट्रिक, एसिटिक? अपनी क्लास के बच्चे कतई होशियार है, एक तो सभी लोग गांव से हैं तो सबन को पता है कि लैक्टिक एसिड हमारी मम्मी रात को डालती हैं, सुबह दही मिलता है एकदम खुलेआम। रेगिस्तान के पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अवशोषित करते हैं? बताओ भैया, रेगिस्तान के पौधे अपनी अलग इस दुकान खोल लेते हैं, वो क्या करते हैं कि रात को ही पानी वानी इकट्ठा कर लेते हैं, और रात को ही आप लोग का ये, मैं सबको मॉडरेटर बना रहा हूँ, रानी को, मधु को, भैया तुम लोग मॉडरेटर हो गए हो, तुमको हाउ एनी कंडीशन में क्लास में आना पड़ेगा, कोई भाग नहीं पाएगा आप, है ना। तुम कुछ भी कर रहे होगे क्लास अपने आप ओपन हो जाएगी, देख रहे हो मॉडरेटर बनाने का ये फायदा होता है। तुम किसी से बात कर रहे हो कॉल कट जाएगा, सीधे मेरी क्लास में आ जाओगे तुम लोग, सबको मॉडरेटर बना दिया। ये मुझे बताओ, अरे चटक मटक के चिंकू मैन, आशीर्वाद पहुंचे तुमको। ए इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, पानी को नुकसान को रोकने के लिए इसका यूज करते हैं। आज 10 बजे सर डाइस का PDF पढ़ाने वाले हैं, और आप लोगों को सारी की सारी PDF फाइल मेरी MCG अकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल रही होंगी। दो दिनों से हमने अपडेट नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था, आज आप लोगों को सारी चीजें ऑन टाइम मिल जाएंगी, दिस इज माई सॉरी। ये बताओ भैया, एसिड स्वाद में खट्टा होता है और नीले टमस को लाल कर देता है, अम्ल की बात कर रहा है जी, अंग्रेजी में अपन को फंसाना चाह रहा है, एसिड एसिड कह के, है ना, ये बात तो अम्ल की कर रहा है भाई साहब। तो छार कड़वी होती है और लाल लिटमस को रंग बदल कर नीला कर देती है, ये छार की बात कर रहा है, ये ठीक है, ये आदमी ईमानदार है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पूछने का चाह रहा हूँ जी, इनमें से कौन सी बातें सही है? सारी की सारी बातें ही सही हैं आप लोगों का, डी इज योर राइट आंसर। क्या कहते हो पलटी, क्या कहते हो शब्द एकदम मौजम माना, डी इज योर राइट आंसर। ये बताओ, प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील उत्पादों के परिवहन को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, और घुलनशील कोई भी चीजें आप लोग की हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? इसका PDF फाइल आप लोग को MCG एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, MCG एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, MCG एकेडमी के एप्लीकेशन पर, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करो जाओ।
प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के परिवहन को क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसलोकेशन, परिवहन और संकेंद्रण। तो प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों के परिवहन को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए भाई क्या कह रहे हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वी इज द राइट आंसर, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। सेल की कौन सी विशेषता सेल के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देती है? सेल के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति। सेल यानी कि वो वाली सेल की बात की जा रही है, कोशिका की बात की जा रही है। शिवानी बुलाओगी नहीं बेटा? देखो अपना तय है, तुम्हारा बर्थडे है, आई हैप्पी नाउ, लेकिन कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, है ना? और गिफ्ट में अपनी ओर से मात्र 10 रुपए मिलेंगे, चाहिए तो बताना, चाहिए तो बुला लेना, है ना? ये बताओ सेल की कौन सी विशेषता सेल के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देती है? सेल की कौन सी विशेषता सेल के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों का प्रवेश और निकास की अनुमति देती है? तो ये स्पेशली आप लोगों का देखा जाए, साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली। तो ये प्लाज्मा झिल्ली आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। डी इज योर राइट आंसर। रैंसिडिटी किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है? रेंसिडिटी बताएं। ये द्विविस्थापन, विस्थापन, ऑक्सीकरण और कोई नहीं। ऑक्सीकरण ही ठीक रहेगा। जब आप अपच से पीड़ित हो, खाना नहीं पच रहा हो, तो आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई को वरीयता देंगे? एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या कॉन्ट्रासेप्टिक। खाना पच नहीं रहा हो, जबरदस्ती उसको पचाने की कोशिश की जा रही हो। अब यदि आप पचाना चाहते हो तो किस प्रकार की चीजों का यूज करेंगे? एंटासिड। वीज योर राइट आंसर। ठीक है भैया, तुम्हारा बर्थडे अभी से सेलिब्रेट करते हैं। मंगाओ लट, लगाओ चिंकू मैन। भौतिक मात्रा जिनमें केवल है और नहीं है, उन्हें स्केलर कहते हैं। बड़ा ही खतरनाक काम है। स्केलर यानी कि अदिश, वेक्टर यानी होता है सदिश। स्केलर यानी कि अदिश राशियां कहते हैं। तो भौतिक मात्रा जिनमें है और नहीं है, जिनमें आपका परिमाण है और दिशा नहीं है, अदिश राशियां कहलाती हैं। वी इज योर राइट आंसर। साक्षी नौरिया जी, और सुनाओ कैसे हो? ये जितने भी लोग क्लास में आते हैं ना, मैं सब लोगों को एक दिल खोल के बात करूं। पहले तो मैं दिल बनाऊं, फिर उसको खोलूंगा, है ना? अपना दिल, ठीक है, फिर दिल खोल के बात करता हूं। अभी चे खुल चुका है। तुम लोगों को लाइक करना है ना, तो इस दिल से किया करो, टूटे हुए दिल से नहीं, ठीक है? क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों को हर रोज की वही कहानी है, तुमने लाइक क्यों नहीं किया, लाइक क्यों नहीं किया, लाइक क्यों नहीं किया। तुम लोगों को क्लास पसंद नहीं आती क्या? तुम लोगों से बार बार मुझे हम लोग कहना पड़ता है कि भाई लोगों लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। चलो इट इज ओके नाउ, वो तो सब मजाक है, बाकी सब तो बातें ही अलग है। ये मुझे बताओ, पृथ्वी की सतह से 2 R दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान है, जहां आर पृथ्वी की त्रिज्या है।
ये पृथ्वी है, इसकी सतह है ये, और इससे 2R दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक R होता है, और इसकी दोगुनी दूरी यानी कि एक गुनी और दोगुनी 2R दूरी पर। त्वरण का मान आप लोग बताएं कितना या किस प्रकार का आप लोगों का होगा, है ना। तो फाइनली कितना हो गया, 1, 2 और 3, क्योंकि जी का मान सीधा सीधा सेंटर से इफेक्टेड होता है, तो G/9 हो जाएगा डायरेक्टली। ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कवक के लिए लागू नहीं होता, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के लिए लागू नहीं होता। इन लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब मैं ये कहता हूँ तुम लोगों से कुछ काम कहा जा रहा है तो उसके एक बार कर दिया करो, है ना। बार बार कहने का मतलब ये है कि तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। कौन सा कवक के लिए लागू नहीं होता है, कौन सी चीज बताइए कवक के लिए लागू नहीं होती है। तो कवक के लिए कौन सी चीज लागू नहीं होती है, हाँ, कवक यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एक कोश के बहुकोश के दोनों होते हैं, उनके पास विशुद्ध रूप से सेल्यूलोसिक कोश का भित्ति होती है, ये नहीं होती कवक के पास, कवक गरीब होता है, ऐसी भित्ति भित्ति कुछ नहीं होती। शिवानी लोवंशी जी आपको मॉडरेटर बनाया जाता है, वेलकम टू द क्लास डियर स्टूडेंट। सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जानवरों की किस श्रेणी में आते हैं। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ जानवरों की किस श्रेणी में आते हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप या एविस। हा, सब ऐसे चलते हैं रेंग रेंग कर, कछुआ भी धीमी धीमी चल, छिपकली भी धीमी धीमी चल, मगरमच्छ भी रेंगता है। तो रेंगने वाले किस में आएंगे, रेप्टाइल में आएंगे। अधिकांश वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं, अधिकांश वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं, एकल फंसे डीएनए, एकल असहाय आरएनए, डबल फंसे डीएनए और आरएनए, डबल फंसे आरएनए। ये फंसे फंसे क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड इन द सेंस टाइप लेवल। अधिकांश वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं, स्पेशली बी आप लोग का राइट आंसर रहेगा, एकल असहाय आरएनए, बी इज योर राइट आंसर। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके संक्रमण के कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग है आप लोगों का, नाइट्राइट, सल्फाइट, नाइट्रेट और सल्फेट किसके कारण होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग किसके कारण होता है। तो ये आप लोगों का नाइट्रेट राइट आंसर रहेगा, सी, क्या कहते हो, सी ठीक रहेगा, है ना। ये मुझे बताओ किसी माध्यम के तरंग के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग के कण, अनुदैर्ध्य तरंग के कण, पृष्ठीय कण या फील्ड वाले कण, किनके बारे में बात की जा रही है। कालिया कितने आदमी थे रे, सरदार 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या बात है, वेरी गुड। इसी दिशा में चल रहे थे ना, हाँ ये इसी दिशा में चल रहे थे, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य कहलाएंगे, बी इज योर राइट आंसर। स्पेशली वेव्स को दर्शाने के लिए इस तरीके की, नहीं उसी दिशा में आप लोग काम कर रहे हो, समझ रहे बात को। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तरंग संचरण की दिशा में ही आप लोग का इसी दिशा में काम कर रहे हैं, समझ गए।
तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आप लोग की रहती है, ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो डायग्राम बनाने के लिए बस इसका यूज़ किया गया था, ट्रांसवर्सेस वेव की बात नहीं होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहा था। ये वाला डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक है। ये तरंग संचरण की दिशा में ही काम करते हैं, यानी तरंग जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में चलते हैं। ये तरंग संचरण की लंबवत दिशा में काम करते हैं, है ना। आदमी ज्यादा थे और हम अकेले थे, कोई बात नहीं। ये लोग बाग बताए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य खराब है, मैं डायलॉगबाजी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, हर किसी का एक दिन आता है, अपना भी है कहेगा, समझ रहे हो बात को। 360 मीटर पर सेकंड की गति के साथ 5 मीटर की यात्रा की लंबाई की ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना करें। फ्रिक्वेंसी की बात की गई है और स्पीड आप लोगों का दी गई है 360 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर की यात्रा आप लोगों का है, तो स्पेशली आप लोगों का सारी की सारी चीज़ें ऐसा यूनिट में है, मीटर मीटर प्रति सेकंड। उड़ा दो, डी आप लोगों का राइट आंसर रहेगा। अरे हम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, परेशान मत हो, है ना। ऑलवेज बी हैप्पी, हारा वही जो लड़ा नहीं और हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हम लड़ते रहेंगे। जावा को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये आप लोग का सन माइक्रो सिस्टम, IBM, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट। तो स्पेशली आप लोग का देखा जाए जावा की बात की गई है और जावा को आप लोग का ए राइट आंसर रहेगा, यानी कि सन माइक्रो सिस्टम, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज साइट और मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो उस विकल्प का नाम आप लोग मुझे बताएं। आप लोग का पेज लेआउट है, व्यू है, टूल्स है या डाटा है, बताइए किसका यूज किया जाता है, किसका यूज हम लोग इन सब के लिए करते हैं। तो ये स्पेशली आप लोग का देखा जाए पेज लेआउट आप लोग का राइट आंसर रहेगा। क्या कहते हो, सब बढ़िया ना। अर्जुन भाई कहाँ गायब चल रहे थे, तुमको एडमिन नहीं बना पाया, हम लोगों ने बना दिया। मॉडरेटर चिंगू मैन, फटाफट आ जाओ सब लोग, है ना, मॉडरेटर भी बना दिया, आज कोई खाली नहीं जाएगा, सबका प्रमोशन होता ही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है, तो किसके लिए भैया, टेक्स्ट के कौन सा टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए, ना बताओ भाई कौन सा आप लोग का है। भैया इसका PDF फाइल के लिए आप लोग MCG एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां एक ऐसा सेक्शन आएगा और यहाँ लाइब्रेरी का सेक्शन आएगा। पहले डाउनलोड करते समय सबसे ज्यादा समस्या आती है, यहाँ पर ईमेल ID पासवर्ड मांगेगा, यहाँ होगा लॉगिन, उसके नीचे होगा क्रिएट अकाउंट, तो ये अकाउंट क्रिएट करो उसके बाद आगे बढ़ो, है ना। बच्चे सीधा ईमेल ID पासवर्ड डाल देते हैं, पता नहीं कौन सा पासवर्ड डाल देते हैं, पहले ईमेल ID और पासवर्ड बनाओ तो मेरे एप्लीकेशन के लिए, उसके बाद आप लोगों का काम शुरू होगा। ये Ctrl Shift + C आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, सी जो राइट आंसर। गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका कौन सी है, किडनी की बात की गई है, स्पेशली किडनी में, रेनल की धमनी, हेपेटिक धमनी, फफोसीय धमनी या कैरोटिक धमनी, तो ये आप लोगों का रेनल की धमनी राइट आंसर रहेगा, ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये बताओ SMPS का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS, तो SMPS का फुल फॉर्म क्या है, विस्थापित मोड बिजली की, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, स्विच मोड पैकेट स्विच आपूर्ति मोड, मतलब ये इंग्लिश में देख रहे हैं यार, SMPS का फुल फॉर्म बताना है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि वी इज योर राइट आंसर। ये बताओ हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बिल्कुल ठीक है, एथलीट फुट वायरस से होने वाली बीमारी है, इसमें कौन शंका है क्या, इसमें तो शंका है भाई साहब, ये बस ठीक हैजा बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, हैजा बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, इसमें तो बिल्कुल फाइनली सही है। क्या अभी बफरिंग यदि हो जाती है तो किसी को जाने का नहीं है, अरे मॉडरेटर नहीं होता तो उसे म्यूट कर सकते हैं हम, ऐसा है क्या। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, लूसी मीटर, क्रायोमीटर, काइनोमीटर और वेरोमीटर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट लूसी मीटर कहा जाता है, ए इज योर राइट आंसर, लूसी मीटर। कम वोल्टेज पर चलने वाली बिजली की मोटरें जलने लगती है क्यों, उनका रीजन ही बिल्कुल अलग है, क्या रीजन है।
वे अधिक विद्युत धारा खींचती है और वोल्टेज के व्युत्क्रमण पाती है। पैराशूट धीरे धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिराया गया पत्थर तेजी से गिरता है। रीजन, एक फोटो बनाता हूँ, शानदार बनाता नहीं हूँ, दिखाता हूँ, ये जैसे पैराशूट है, ये उसमें कोई लटका हुआ है, कोई इन द सेंस चिंकू मैन, तीन बाल हैं चिंकू के बस, ये राक्षसों जैसे पैर हैं इसके, ये पैरों की उंगलियां हैं, ठीक है, ये लटका हुआ है, समझ में नहीं आएगा, वो डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, ये साइंस की बहुत गहरी थ्योरी है जिसमें तुमको डायग्राम समझ में नहीं आते हैं, ये बायोलॉजी का पार्ट है। बाय द वे, पैराशूट के सतह क्षेत्रफल पर उसका ऊपर की ओर जो प्रतिरोधी बल है वो बहुत अधिक लगता है, इस कारण से वो धीरे धीरे नीचे उतरता है, ठीक है। एयर प्रेशर आप लोगों का काफी ज्यादा लगता है उसके अगेंस्ट ऊपर की ओर। परस्पर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक साथ बंधे सितारों के एक विशाल समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा, ब्रह्मांड, तारामंडल या निहारिका? आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी उसको हम लोग कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। मानव शरीर के किस भाग में बसा पूरी सतह से पूरी तरह से पसता है? किस हिस्से में बसा पूरी तरह से पसता है वो हिस्सा मुझे बताएं। छोटी आंत, लीवर, पेट और बड़ी आंत। छोटी आंत में बसा पूरी तरह से पसता है, ए इज योर राइट आंसर। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को क्या कहा जाता है? अणु, परमाणु, यौगिक या तत्व? पूरी पृथ्वी पर सबसे छोटी चीज जो आप लोग की है वो एटॉम यानी कि परमाणु। तो डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग यही है कि सबसे अविभाज्य कणों को परमाणु कहा जाता है। हम लोग आए, थॉमसन वगैरह, फोड़ दिया हमने इसको भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में फोड़ दो, फोड़ दिया। पॉलीकॉट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉली और कॉट, तो किसका मिश्रण है बताओ भाई? ये पॉलीस्टार और कपास, पॉलीस्टार और ऊन, रेयन और ऊन, पॉली और ऊन, पॉली यानी पॉलीस्टार, कॉट यानी कॉटन, देखा ना, है ना इंटेलिजेंट अपन लोग, सब मतलब मैं नहीं, सब लोग। कहाँ चले गए थे तब तक? बेइज्जती हो गई, चिंकू तो रिकॉर्डेड देख लेगा, मेरी बेइज्जती तो होती रहती है, कह देगा। इसका पीडीएफ फाइल आपको मेरे एमसीजी एकेडमी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। ये डायग्राम किसका है आप सभी लोग इसको जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक उदाहरण है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी और कोई नहीं। सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म रहता है, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऑक्टेव्स के न्यूलैंड का नियम पालन नहीं करता है? न्यूलैंड के अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, कौन सा बाह्य समूह है? ये डी इसमें आप लोग का राइट आंसर रहेगा। चलो टॉप पर चलते हैं, एक बार घनघोर रिवीजन करते हैं 10 मिनट में, और फिर सब लोग अपने घर जाते हैं। तुम लोगों से 10 मिनट का मिलना ही बहुत है, मुझे नहीं चाहिए 4-5 हजार बच्चे, क्योंकि अपने पास इतना बड़ा सिस्टम ही नहीं है कि अपने पास 4-5 हजार बच्चे आ सकें, समझ रहे हो? बच्चे वहाँ जाते हैं जहाँ सुविधाएं रहती हैं। हाँ जी है कि, लेकिन कंटेंट यहाँ मिलेगा तुमको, परेशान नहीं होना, आई एम श्योर।
कि आज कितनी है, 18 तारीख है ना, 20 तारीख से जब मैं आपको डिटेल क्लास दूंगा ना अपने एप्लीकेशन पर, तब तो आप लोग कहोगे कि वाह मास्टर मजा आ गया। एप्लीकेशन पर डिटेल कोर्स मिलेंगे, शुरुआत में वो सारी चीज़ें फ्री रहेंगी, बाद में अपने आप पेड हो जाएंगी। शुरुआत में कोर्स की प्राइस रहेगी 0 रुपये और बाद में उसी कोर्स की प्राइस हो जाएगी 10 रुपये। ठीक है, तुम्हारे लिए तो चाहे 0 में ले लो चाहे 10 में, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मेरा मानना है। सब पैसे वाले हैं भैया, मास्टर इज गरीब है ये। ये बताओ कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CDNO3 का हॉल ट्वाइस, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आंखों को भैया दिक्कत होती है पराबैंगनी किरणों से, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के अंतिम स्थित मापी गई न्यूनतम दूरी को हम स्पेशली विस्थापन कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कुछ जीवाणु के द्वारा की जाती है, कार की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, दूध को कुछ समय के खुले छोड़ देने पर खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण, रेगिस्तान के पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों अवशोषित करते हैं, तो पानी के नुकसान को रोकने के लिए वो ऐसा करते हैं, ऐसे स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, क्षार कड़वी होती है लाल का नीला कर देती है, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इज योर राइट आंसर। ये बताओ प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में घुलनशील उत्पादों के परिवहन को ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं, कौन सी सेल के अंदर बाहर और अंदर कोई भी चीज आएगी तो इसका फिक्सिंग करती है प्लाज्मा झिल्ली, रेंसिडिटी किस प्रकार की प्रक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण का। सब आप कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, ये मैंने बताया कि नहीं बताया, कल मॉर्निंग में 7 बजे की 9 बजे की दोनों बच्चों की छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी है ध्यान रखना। जब आप अपच से पीड़ित हो तो आप निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाई को वरीयता देंगे, एंटासिड को, भौतिक मात्रा जिनमें केवल है और नहीं है, मजाक हो गया, परिमाण है और दिशा नहीं है, स्केलर कहलाएंगी, पृथ्वी की सतह से 2 r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण जी के कारण त्वरण का मान g/9 हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। हम मुरैना से हैं और मुरैना छोटे शहर है, इसलिए शहर का डियर ऑल स्टूडेंट, अभी थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, सब लोग घरों में रहना। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ, जानवर किस श्रेणी में आते हैं, तो ये रेप्टाइल वर्ग में आपके आते हैं, सरीसृप श्रेणी में आ रहे हैं। अधिकांश वायरस जो पौधों को संक्रमित करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA आप लोग के कहलाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके संक्रमण के कारण होता है, तो नाइट्रेट के संक्रमण के कारण होता है। किसी माध्यम के तरंग के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर दिशा में कंपन करते हैं, अनुदैर्ध्य की बात की गई है। जावा को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। कौन सा विकल्प पेज साइड और मार्जिन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, पेज लेआउट। कौन सा टेक्स्ट से कॉम्बिनेशन की कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। गुर्दे को रक्त की आपूर्ति करने वाली गुर्दा वाहिका रेनल की धमनी है। SMPS का पूर्ण रूप क्या होता है, SMPS का पूर्ण रूप आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, स्पेशली हम लोग इसको कहेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि वी इज राइट आंसर है ना। ये हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है
एथ्रिट फुट वायरस से होने वाली एक बीमारी है, तो मात्र हैजा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, ये बात सही है और दूसरी वाली बात गलत है। प्रकाश की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं? लूसी मीटर के नाम से जानते हैं। कम वोल्टेज पर चलने वाली बिजली की मोटर जलने लगती है क्यों? अत्यधिक विद्युत धारा खींचती है क्योंकि वो मोटर जो है अत्यधिक विद्युत धारा खींचती है जो कि वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती रहती है। आज मुझे क्लास में बहुत मजा आया, बढ़िया मेरे मित्र लोग बढ़िया तरीके से आए, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे और लाइक कम लोगों ने किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो समस्याएं रही हैं मेरे को, है ना। पैरासूट धीरे उतरता है जबकि समान ऊंचाई से गिराया गया पत्थर तेजी से क्यों? पैरासूट का सतह क्षेत्रफल और वायु प्रतिरोध अधिक है। परस्पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे सितारों के एक विशाल समूह क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। ये बताएं, मानव शरीर के किस भाग से बसा पूरी तरह से बसता है? छोटी आंख में बसता है धुआंदार। वॉइस खान साहब थोड़ा सा और रखो, खान साहब तुम आज बोले नहीं पूरे में। संदेल साहब आज कहीं गए हैं, बीमार है क्या है? अपडेट नहीं किया उन्होंने मुझे भी। न्यूटन के परमाणु सिद्धांत के अकॉर्डिंग अविभाज्य कणों के लिए स्पेशल सबसे छोटा आप लोग का परमाणु होता है। आप लोग का पॉलीकॉट यहाँ दिया हुआ है, पॉलीकॉट में पॉलिस्टर और कपास आप लोग का बनता है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और यहाँ पर मैग्नीशियम हो रहा है। आप लोग का राइट आंसर रहेगा, ये पालन नहीं करते, ठीक है। तो ये था आज का शानदार सेशन आप लोग का, और अभी 10 मिनट के बाद आपको अरविंद सर पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग के डाइस वाले क्वेश्चन का रिवीजन। आई होप कि कल आपको चीजें समझ में आई होंगी डाइस के, है ना। सर की ओर से काफी मेहनत की जा रही है, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 घंटे से वो डाइस के क्वेश्चन को बेटर टू बेटर तरीके से आप लोग को समझा सके, इस तरीके की मेहनत कंटिन्यू चल रही है। समझ रहे हो बात को? तो आई होप कि आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे सब लोग। अभी मेरे साथ 23 स्टूडेंट है, मैं सब लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, प्लीज यार एक बार मौका दो किसी को, है ना, एक बार मौका तो दो। समझ रहे हो बात को? अरविंद सर चंदेल को चंडेल कहते हैं। प्लीज मेरे कहने से आज एक बार डाइस की क्लास में आके तो देखो, और तुमसे अटकी नहीं है यार, तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम्हारे फायदे का सौदा है ये, एक बार करके तो देखो इसको। मेरे कहने से कर लो, चलो किसी और के ना कहने से, मेरे कहने से कर लो। अपर्शन हु क्लियर एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल एंड हु इज टीचिंग यू रेगुलरली ऑन टाइम, जबकि उसकी अटकी नहीं है, तुम साला उसकी बेइज्जती किए जा रहे हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, है मतलब बिल्कुल ही मेरी बेइज्जती करवा रहे हो और कुछ नहीं, मेरे को परेशान करते रहते हो। बोले तुम्हारे बच्चे भाई याद है? मैंने कहा क्यों? बोले पढ़ना ही नहीं चाहते, मैं तो वही कंटेंट पढ़ाता हूँ जो पेपर में आता है। मेरे कहने से एक बार आकर के देखो, ठीक है। 10 बजे आज सभी लोग क्लास में आएंगे, डाइस वाली क्लास में। पसंद आए तब तो आगे लेना, नहीं तो कह देना मास्टर आज से संन्यास ले लेना, है ना। कल से जी मान लो कल से समाधि बना दूंगा सर की, ये अपनी बात है, अपन देख लेंगे हम दोनों आपस में, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 10 बजे, आना जरूर। आज मैं खुद क्लास का जायजा लूंगा, खुद से क्लास में रहूंगा, आप लोगों के साथ कंप्लीट क्लास लूंगा, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। चलिएगा, मिलना जरूर, है ना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक।